वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। दोस्तों आप सभी का करंट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको हमारे इस चैनल पर करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज से रिलेटेड सभी वीडियोस मिल जाएंगी। आशा करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आएंगी। दोस्तों अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। दोस्तों 5 जनवरी 2019 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते थे वह सब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो और आपको क्वेश्चंस पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों हाल ही में नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में चोलेंद्र शमशेर जेबी राणा ने शपथ ली है। दोस्तों न्यायमूर्ति चोलेंद्र शमशेर जेबी राणा ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने राणा को शीतल निवास में पद की शपथ दिलाई। शीतल निवास राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। चोलेंद्र शमशेर जेबी राणा ने न्यायमूर्ति ओम प्रकाश मिश्रा का स्थान लिया है, जो इनका कार्यकाल 4 वर्षों का होगा और इन्होंने नेपाल ला कैंपस त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली है। दोस्तों नेपाल की बात की जा रही है तो नेपाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य मैं वीडियो के दौरान बताता हूं, आप इनको कॉपी में ज़रूर नोट किया करिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। तो दोस्तों नेपाल यह एक दक्षिण एशियाई राष्ट्र है। नेपाल विश्व का प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र है। दोस्तों नेपाल की राजभाषा नेपाली है और यहाँ की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा रुपया है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु गाय है। दोस्तों विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल में बागमती नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों नेपाल के वर्तमान पीएम केपी शर्मा ओली हैं और यहाँ के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं और यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन है और हाल ही में मुख्य न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर जेबी राणा बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तामु कायगोन कलेवा सड़क खंड का संबंध किन देशों के 1360 किलोमीटर लंबा त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना से संबंधित है? तो दोस्तों तामु कायगोन कलेवा सड़क खंड का संबंध भारत म्यांमार थाईलैंड के 1360 किलोमीटर लंबे त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इन्फोसिस ने अपने मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों हाल ही में इन्फोसिस ने अपने मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में नीलंजन राय को नियुक्त किया है। दोस्तों इन्फोसिस की बात हो रही है तो इन्फोसिस की स्थापना 7 जुलाई 1981 को नारायण मूर्ति ने की थी। इसके संस्थापक भी नारायण मूर्ति ही हैं। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके वर्तमान चेयरमैन नंदन नीलकनी हैं। इसके एमडी और सीईओ वर्तमान में सलिल एस पारेख हैं। दोस्तों सीईओ का फुल फॉर्म होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी का मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने किन दो जगहों को जोड़ने के लिए पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल बना रही है? तो दोस्तों भारतीय रेलवे रामेश्वरम और भारतीय मुख्य भूमि को जोड़ने के लिए पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल बना रही है। दोस्तों पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल 104 वर्ष पुरानी पंबन पुल का स्थान लेगा। इस पुल की लंबाई 2 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में उस्मान नामक तूफान के कारण 30 दिसंबर 2018 को 68 लोगों की मौत हो गई? तो दोस्तों फिलीपींस में आए तूफान उस्मान के कारण 30 दिसंबर 2018 को 68 लोगों की मौत हो गई।
दोस्तों फिलीपींस की बात कर लेते हैं, तो यह एक दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी मनीला है और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। फिलीपींस का सबसे बड़ा नगर क्यूजन शहर है। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा फिलिपिनो है। यहाँ की मुद्रा पेसो है और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई से दिसंबर 2018 के बीच चितवन नेशनल पार्क में 21 गैंडों की मौत हो गई है। चितवन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो दोस्तों चितवन नेशनल पार्क नेपाल में स्थित है। दोस्तों चितवन राष्ट्रीय उद्यान है, जो यह नेपाल का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। यूनेस्को ने इसकी सुंदरता को देखते हुए 1984 में से विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1 जनवरी 2019 को छात्रों के साथ संवाद मंच का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों 1 जनवरी 2019 को इसरो ने छात्रों के साथ संवाद मंच का शुभारंभ किया है। दोस्तों इसरो की बात कर रहे हैं तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के सिवान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2019 में भारत 11वें स्थान पर है। दोस्तों पहले स्थान पर इसमें स्वीडन है और दूसरे स्थान पर मोरक्को है। दोस्तों 2018 में भारत इसमें 14वें स्थान पर था, जबकि 2019 में उसने अपनी स्थिति पर सुधार करते हुए 11वां स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल जियो स्पेशियल अवार्ड किसने जीता है? तो दोस्तों हाल ही में नेशनल जियो स्पेशियल अवार्ड जयंत कुमार घोष ने जीता है। दोस्तों इंडियन सोसाइटी फॉर रिमोट सेंसिंग ISRS ने IIT के प्रोफेसर जयंत कुमार घोष को नेशनल जियो स्पेशियल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार उन्हें भू स्थानिक विज्ञान और अनुप्रयोगों के विकास में उनके योगदान के लिए दिया गया है। ISRS एक अंतरिक्ष विज्ञान, रिमोट सेंसिंग और भू स्थानिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जाना जाने वाला संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के नए सचिव के रूप में प्रमोद कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। दोस्तों CCI ने PK सिंह यानी कि प्रमोद कुमार सिंह को अपना सचिव सेक्रेटरी बनाया है। इससे पहले प्रमोद कुमार सिंह CCI के कानूनी सलाहकार थे। दोस्तों CCI की बात की जा रही है तो CCI का फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को की गई थी और प्रतियोगिता अधिनियम 2002 में इसको अधिकार प्राप्त है। दोस्तों CCI भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान चेयरमैन अशोक कुमार गुप्ता हैं और अब सेक्रेटरी प्रमोद कुमार सिंह बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ IAA का वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों 20 से 22 फरवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ IAA का वैश्विक शिखर सम्मेलन कोच्ची में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों IAA की बात की जा रही है तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ। इसके
चेयरमैन और वर्ल्ड प्रेसिडेंट श्रीनिवासन स्वामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हांगकांग में आयोजित वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में सिंगापुर निवासी भारतीय मूल के किस 12 वर्षीय छात्र ने स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों, सिंगापुर में आयोजित वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में हांगकांग में आयोजित वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में सिंगापुर निवासी भारतीय मूल के 12 वर्षीय छात्र ध्रुव मनोज ने स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों, ध्रुव मनोज के पिता का नाम मनोज प्रभाकर है और ये भारतीय मूल के हैं और ये सिंगापुर में रहते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू।